हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो स्टूडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। शिक्षा मंत्री का काफ़ी बड़ा बयान सामने आया है कि रीट का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, और लाखों विद्यार्थियों का इंतजार है कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट जारी हो। तो इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट से कुछ न्यूज़ सामने आ रही है, कुछ अपडेट सामने आ रही है कि कब तक आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो स्टूडियो में हम चर्चा करेंगे रीट रिजल्ट को लेकर, तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आप सभी को पता है राजस्थान प्रदेश के अंदर 26 सितंबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी रीट शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई थी, जिसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों की एग्जाम एक ही दिन संपन्न कराई गई थी। पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर लगभग 16 लाख प्लस विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी। तो रीट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा, इसको लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से मीडिया ने पूछा कि भाई बताइए आप कि रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया है, जो बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि अगले एक महीने के अंदर रिजल्ट जारी करने की तैयारी की जा रही है और जल्द से जल्द आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है और जल्द ही जो विभाग है इस रिजल्ट को जारी करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है रीट लेवल फर्स्ट को लेकर जो मुद्दा अभी कोर्ट में चल रहा है, उसको जो भी कोर्ट निर्णय लेगा उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन जो है अगले एक महीने के अंदर रीट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है अगर अगले एक महीने के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा। आप सभी को पता है कि अगर यहां पर हम रिजल्ट की बात करें तो एग्जाम हो चुकी है लेवल फर्स्ट की भी, लेवल सेकंड की भी, और उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाना है, लेकिन अभी भी धरना प्रदर्शन जारी है। आप सभी को पता है कि यहां पर रीट लेवल फर्स्ट वाले जो विद्यार्थी हैं, जो BSTC वाले विद्यार्थी हैं, उनका धरना प्रदर्शन जारी है, क्योंकि उनकी मांग है कि यहां पर हम ही को ही शामिल की जाए, BEd वालों को शामिल नहीं किया जाए, जिससे कि जो यहां पर BSTC वाले विद्यार्थी हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस मतलब लेवल फर्स्ट में यहां पर जो है जॉब लगे। तो उनकी ये मांग है, तो देखते हैं कोर्ट क्या निर्णय देता है, क्या यहां पर BEdधारी शामिल होते हैं या नहीं होते हैं या ओनली BSTC वाले होते हैं। तो इसको लेकर जो भी निर्णय आएगा उसी आधार पर यहां पर विभाग के द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा, यह कहना है शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का। तो सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC एग्जाम के लिए, SSC CGL CPO CHSL अगर आप तैयारी कर रहे हैं JD MTS की, तो आप भारत के नंबर वन लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी भारत का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं वहां पर प्लस एजुकेटर हूं, रेगुलर मेरी क्लास हो रही है, फ्री स्पेशल क्लास भी होती है और प्लस क्लास भी होती है, आप पेड क्लास कहते हैं, वो भी मेरी रेगुलर हो रही है। तो मेरी जो प्लस क्लास है वो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में होती है, अगर वो क्लास आपको लेनी है जो कंप्लीट कोर्स है SSC GD के लिए स्टैटिक GK का, तो आप इनरोल कर सकते हैं मेरे कोर्स को, आप एक्सेस कर सकते हैं और इनवाइट कोड Genuine10 लगाकर आप परचेज कर सकते हैं, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आज शाम को 8 बजे मेरी फ्री स्पेशल क्लास है, उसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगी, सभी बच्चे जुड़ पाएंगे, स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और ऐसी अपकमिंग क्लासेस पाने के लिए आप मेरी जो अनअकैडमी की प्रोफाइल है उस पर जाके फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर क्लिक करेंगे फॉलो हो जाएगा, जिससे कि आपको समय समय पर मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि काफ़ी समय बाद में यहाँ पर एग्जाम संपन्न हुई है और अब सभी को इंतजार है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री का पॉजिटिव अपडेट सामने आई है कि भाई जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा, अगले एक महीने के अंदर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा कट ऑफ लिस्ट आपने देख ली होगी, जो भी कोचिंग वालों ने कट ऑफ लिस्ट बनाई है, आपको लग रहा होगा कि अभी आपका नंबर आ सकता है नहीं आ सकता है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ सबने बता दी है। इसके अलावा जो है कट ऑफ लिस्ट के ऊपर वीडियो मैंने भी बना रखी है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। और ये अपडेट सामने आ रही है कि भाई रिजल्ट आपका जल्द जारी कर दिया जाएगा, लगभग 16 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दी थी और उन सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है, ऐसी और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।